हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। तो ऐसे ही एक जड़ी बूटी है कर्णस्फोटा यानी कपाल फोड़ी। कपाल फोड़ी की एक बेल होती है जो लगभग सारे भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में अपने आप उत्पन्न होती है। इसे इस प्रकार के सुंदर आकार वाले पत्र लगते हैं और सफेद रंग के पुष्प छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद इसे फल लगते हैं जो गुब्बारे के समान हवा से भरे होते हैं। इसे तोड़ने पर अंदर से 3 बीज निकलते हैं जो सूखने के बाद काले गुंजा के समान काले हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के इसके सुंदर काले रंग के बीज होते हैं जिसका तंत्र प्रयोग में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसका संस्कृत नाम कर्णस्फोटा और स्फुट बल्लरी है। दोस्तों, देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। हिंदी में नयन फटकी, मराठी में कानकुटी, कानफोड़ी और कपाल फोड़ी है। गुजराती में कागडोड़ियों कहते हैं और बंगाली नाम ज्योतिषमती, कानसीड़ा और कानफोड़ी है। पंजाबी में हब उल कलकल कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम विंटर चेरी और लेटिन नाम कार्डियोस्पर्मम हेलिकेडियम है। दोस्तों, आप इसे किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताएं। इसके फल में 3-3 जोड़े में बीज होते हैं जो छोटे गोल आकार वाले होते हैं। ये हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद काले रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बीज कौवा की आंख के समान दिखाई देने से गुजराती में इसे कागडोलियों कहते हैं। इस पूरी बेल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अगर कोई त्वचा रोग से पीड़ित है तो इस बेल की पत्तियों की एक पेस्ट बनाए और इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर धूप में थोड़ी देर रखे। इसके बाद इसे प्रभावित स्थान पर लगाए। इससे दांत, खाज, कंडू और खुजली जैसे चर्म विकार शीघ्र ही नष्ट होते हैं। ये सोरायसिस में भी बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, अगर किसी को कान में दर्द की समस्या होती है तो इसकी ताजी पत्तियों का रस निकाले और 2-2 बूंदे कान में टपकाए। इससे शीघ्र ही कान का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए इस बेल की पत्तियों का एक पेस्ट बनाएं और इसे तिल का तेल या सरसों के तेल के साथ गर्म करें और गुनगुना ही दर्द वाले स्थान पर लगाएं और मालिश करें। कुछ दिनों को ऐसा करने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये महिलाओं के लिए भी उपयोगी बेल है। इसके लिए इसकी पत्तियों की पेस्ट बनाकर अरंडी के तेल के साथ गर्म करें। इस लता की पत्तियों की पेस्ट बनाकर अरंडी तेल के साथ गर्म करके पेट के निचले हिस्से पर बांधकर रात भर रहने दें। इस प्रयोग से महिलाओं में प्रसव के बाद होने वाली सारी समस्याएं दूर होती है। दोस्तों, अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो इसकी पत्तियों को ले लें और इसका काढ़ा बनाएं। 20-25 मिली की मात्रा में इस काढ़े का सेवन करने से कब्ज दूर हो जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों की पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर बांधने से हाइड्रोसिल में फायदा होता है। दोस्तों, ये औषधि बालों के लिए भी उतनी ही कारगर है। इसकी पत्तियों को इकट्ठा करके 5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें, फिर मच्छल छानकर उस पत्तियों से बालों को धोने से बालों की रूसी दूर होती है। दोस्तों, इस बेल की लता का काढ़ा बनाकर पीने से पेचिस में फायदा होता है। दोस्तों, सुजाक यानी गोनोरिया एक प्रकार का गुप्त रोग होता है। दोस्तों, अगर कोई इस रोग से पीड़ित है तो इस बेल की जड़ का काढ़ा बनाकर 20 मिली की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करें। कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होता है। अगर किसी भी कारण चोट लग गई हो, घाव हो गया हो तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर उस स्थान पर लगाए, शीघ्र ही घाव भर जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।